हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रोड एस्टिमेट में अर्थवर्क कैलकुलेशन के बारे में कि रोड एस्टिमेट में अगर हम अर्थवर्क कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मिट्टी की क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमारे यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा मिड सेक्शन मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड और प्रिज मॉडल जैसे मेथड से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि रोड एस्टिमेट में अगर हम अर्थवर्क कैलकुलेशन करें तो कौन कौन से मेथड और किस तरीके से वो यूज़ किए जाएंगे। तो हम समझेंगे उन्हें डायग्रामों की मदद से और उनको हम ड्राइव भी करेंगे यहां पर और समझेंगे कि किस तरीके से उन्हें कैलकुलेशन में हमें उसका यूज कर पाएंगे। तो देखें, अर्थवर्क कैलकुलेशन के लिए रोड हम बात करें, जनरली रोड का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है, यानी कि हमारा समलंब चतुर्भुज की आकृति के हमारे कैसे होते हैं, रोड के क्रॉस सेक्शंस होते हैं। और बात करें कि रोड हमारे किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो अगर हम ग्राउंड के नेचर की अगर हम बात करें तो उस केस में रोड वर्क हमारा तीन केस में बन सकता है कि फुल्ली फिलिंग रोड हो सकते हैं, रोड हमारे फुल्ली कटिंग हो सकते हैं, रोड हमारे पार्शियली फिलिंग पार्शियली कटिंग हो सकते हैं। तो यहां से हम किस तरीके से साइन कन्वेंशन की अगर बात करें कि कैसे पहचानते हैं, तो देखें रोड में हमारा जो ग्राउंड लेवल है, अगर ग्राउंड लेवल से रोड का फॉर्मेशन लेवल अगर ऊपर है तो उस केस में आप समझ जाएंगे अगर ग्राउंड लेवल नीचे है रोड हमारा ऊपर है, यानी रोड का फॉर्मेशन लेवल ऊपर है, तो जरूर हमें क्या करना पड़ेगा, उस मिट्टी की हमें अर्थ फिलिंग करनी पड़ेगी, तभी हम ग्राउंड से ऊपर जाकर हम रोड बना सकते हैं। तो अगर साइन की बात करें तो फॉर्मेशन लेवल अगर ऊपर है और ग्राउंड लेवल नीचे है तो उस केस में हमारा रोड कैसा कहलाएगा, वो रोड इन फुल्ली फिलिंग होगा। लेकिन अगर बात करें कि अगर हमारा ग्राउंड लेवल नीचे है, ग्राउंड लेवल ऊपर है और फॉर्मेशन लेवल नीचे है, यानी कि रोड हम क्या कर रहे हैं ग्राउंड से नीचे बना रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस अर्थवर्क को यानी उस मिट्टी को हमें काट कर हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम रोड ग्राउंड से नीचे बना पाएंगे। तो हमारा अगर ग्राउंड लेवल ऊपर है और फॉर्मेशन लेवल नीचे है, इसका मतलब कटिंग का साइन ये है, फिलिंग का साइन ये है, तो रोड हमारा ये वाला कैसा होगा, रोड इन फुल्ली कटिंग। दूसरी बात करें कि कभी ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है, जैसे रोड में अगर हम स्लोप देते हुए अगर जार चल रहे हैं तो ऐसा भी कोई सिचुएशन बन सकती है जहां पर हमारा रोड फुल्ली इन पार्शियली फिलिंग में भी हो और पार्शियली कटिंग में भी हो। जैसे कि अगर बात करें यहां पर हमारा रोड फॉर्मेशन लेवल हमारा इस तरीके से जा रहा है जबकि ग्राउंड लेवल हमारा कैसे इस तरीके से, तो जहां ग्राउंड ऊपर है और फॉर्मेशन लेवल नीचे है तो हमें रोड को नीचे करना है ग्राउंड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस एरिया इसको हमें क्या करना होगा, कटिंग करनी पड़ेगी। तो इस केस में हमारा रोड यहां पर कैसा हो गया, पार्शियल इन कटिंग, बट अगर हम पिछले चैनल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसा हो गया, रोड इन फुल्ली फिलिंग, क्योंकि फॉर्मेशन लेवल ऊपर है और ग्राउंड लेवल कैसा है, नीचे है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि रोड हमारे तीन केस में बनाए जा सकते हैं, अगर हम अर्थवर्क के नेचर की बात करें तो ग्राउंड के नेचर की बात करें उसके आधार पर हमारे रोड तीन टाइप के हो गए, रोड इन फुल्ली फिलिंग, रोड इन फुल्ली कटिंग एंड रोड इन पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग। अब बात करते हैं रोड के क्रॉस सेक्शन की। अब हमें क्या करना है, इसमें जितने भी मेथड हम यहां पर जितने भी हम नेचर्स देख रहे हैं, हमारा ओवरऑल ये होगा कि इसमें अर्थवर्क के कैलकुलेशन हम कौन-कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो मेथड मैंने बताया यहां पर हमारे तीन मेथड हैं। अब इन मेथड में भी रोड का हमारा क्रॉस सेक्शन हमेशा कैसा होगा, ट्रेपेजॉइडल शेप का होगा। अब बात करते हैं क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो हम किसी भी जब हम रोड का सर्वे करते हैं तो उस केस में अगर हम क्वांटिटी या हम वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क की अगर हम बात करें तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, रोड का सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया का मतलब यहां पर होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम ये देखेंगे कि रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर हम किसकी मल्टीप्लाई करते चले जाएं, लेंथ की। अब देखें, अब जानते होंगे कि जब हम सर्वे करते हैं तो उस केस में हमने सर्वे वाले लेक्चर कई पिछले लेक्चर बनाया, उसमें बताया कि रोड हमारा इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं जगह जगह कुछ दूरी पर इंटरवल मानते हैं, यानी सपोज कीजिए हमारे पास एक इंटरवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग दूरी पर हमने इंटरवल्स लिए, ये हमारा रोड का हम प्लान बना रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पर भी हमने 3D व्यू बना रखा है इसका, तो उस केस में आप 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर, ये क्या है हमारे अलग अलग चैनल्स पर हमने मार्क किया और यहीं पर हमने सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद हम रिड्यूस लेवल निकाल लेते हैं और रिड्यूस लेवल के बाद हम क्या करते हैं, उसके ग्राउंड और रोड जहाँ बनने वाला है उसके बीच में फॉर्मेशन लेवल में हम क्या करते हैं, डेप्थ डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रोड को यहाँ पर हमने चैनल लिया, यहाँ पर इस तरीके से हम चैनल लेते जा रहे हैं, तो इसको हम नंबर देते हैं 1 नंबर क्रॉस सेक्शन, 2 नंबर सेक्शन, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से। तो हमने इसमें से जो कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पर हमने तीन सेक्शंस को लेकर हम बात करेंगे, तो क्रॉस सेक्शन नंबर 1, क्रॉस सेक्शन नंबर 2, क्रॉस सेक्शन नंबर 3। तो हर चैनल पर हमने क्या किया,
सर्वे किया, सर्वे करने के बाद में हमने फॉर्मेशन और ग्राउंड लेवल के बीच में हमने उनके रिड्यूस लेवल के जो डिफरेंस आ रहे हैं उन डिफरेंस के आधार पर हमने डेप्थ डिसाइड करी, और डेप्थ डिसाइड करने के बाद अब हम देखेंगे क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी मैंने बताया कि क्वांटिटी या वॉल्यूम अगर आप अर्थवर्कल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और लेंथ किसकी, जो आपने चेनेस ले रखे हैं उनके बीच में जो हमारी एल डिस्टेंस आप ले रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यानी ये डिस्टेंस आप देखें एल डिस्टेंस ये है, और इसी तरीके से एल डिस्टेंस हमारी एल एल डिस्टेंस पर हमने क्या रखे हैं, चेनेस ले रखे हैं। तो अब बात करते हैं मिड सेक्शन मेथड में। सबसे पहले इसको समझ लें कि सबसे पहले हमारा ये जो ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ जहाँ पर ये बी लिखी हुई, बी क्या है हमारी विड्थ ऑफ रोड, रोड की चौड़ाई, और ये हमारा फॉर्मेशन लेवल है, और जबकि नीचे वाला क्या है, ग्राउंड लेवल है। इसी तरीके से आगे हर सेक्शन पर ये बातें आगे चलती कंटिन्यू रहेंगी। अब देखें फॉर्मेशन लेवल यहाँ है, ग्राउंड लेवल यहाँ है, रोड की चौड़ाई बी है, डेप्थ हमने डी वन डिसाइड कर लिए बाई सर्वे। उसके बाद अब बात करेंगे इसका क्रॉस सेक्शन हमारा कैसा है। जनरली जो हमारे रोड है तो वो कैसे बनाए जाते हैं, क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजोइडल शेप में बनाए जाते हैं। तो ट्रेपेजोइडल शेप में हमने यहाँ पर रोड यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। इस सेक्शन पर अगर आप देखें तो आपका ये कैसा सेक्शन, हमारा ट्रेपेजोइडल सेक्शन है। और इस ट्रेपेजोइडल सेक्शन को हमने क्या किया, एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन यहाँ है, दूसरा ट्रेपेजोइडल सेक्शन यहाँ है, तीसरा ट्रेपेजोइडल सेक्शन यहाँ है। तो हम कोई भी दो सेक्शन ले लेते हैं, यानी मिड सेक्शन एरिया मेथड क्या कहता है कि आप कोई भी दो सेक्शन ले लें। जैसे कि मैंने क्या किया, सेक्शन नंबर वन और सेक्शन नंबर टू। सबसे पहले बात करेंगे हम मिड सेक्शन एरिया मेथड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेक्शन नंबर वन और सेक्शन नंबर टू के बीच में हमने कोई भी एक पॉइंट लिया। यानी मिड सेक्शन का मतलब ये है कि दो चेनेस के बीच में मिडिल पॉइंट पर आपको चलना है, मिडिल पॉइंट पर आना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें यहां पर अगर गहराई दो है, यहां पर गहराई अगर तीन है, तो हम क्या करते हैं एक एवरेज ले लेते हैं मिड पॉइंट में, जो कि हमारी दो और तीन पांच, और मिड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो ढाई निकल के आएगा। तो जो हमें यहां लॉस हो रहा है वो हमें बेनिफिट के तौर पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें क्वांटिटी में वेरिएशन ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं मिड सेक्शनल एरिया के मेथड, मतलब मिड सेक्शन एरिया जो मेथड है उसका मतलब ये है कि दो चेनेस पॉइंट के बीच में, यानी दो क्रॉस सेक्शन के बीच में आपको एक मिडिल पॉइंट लेना है, और उस मिडिल पॉइंट के आधार पर आपको क्रॉस सेक्शन तैयार करना है, और उसमें लेंथ का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दो चेनेस के बीच में तो हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाएंगी। बेसिक रूल तो हमारी बेसिक बात है, तो इस मेथड के बारे में ये हो गई। करेंगे कैसे उसके लिए बात करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा डेप्थ डी वन, हमने दो सेक्शन ले रखे हैं, सेक्शन नंबर वन ये है, सेक्शन नंबर टू ये है। इन दोनों के बीच में हमने यहां पर डेप्थ डी वन, यहां डेप्थ डी टू। तो अगर मुझे मीन डेप्थ निकालनी है, यानी मैं मिड सेक्शन पर अगर आना चाहता हूं तो डेप्थ का मुझे मीन लेना पड़ेगा। तो मीन डेप्थ को मैं डीएम से डिनोट कर दिया, और यहां पर हमने क्या कर सकते हैं डी वन प्लस डी टू अपॉन टू। हम ये क्या निकाल रहे हैं, मिड सेक्शन मेथड की डेप्थ निकाल रहे हैं। तो डेप्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर वन सेक्शन एंड नंबर टू सेक्शन की जो हमारी डेप्थ है उन डेप्थ का मीन निकाल लिया हमने, और डेप्थ हमारी इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, यहां से डीएम आ जाएगा। तो जो डीएम आया है वो कहां की डेप्थ है, वो हमारी इस पॉइंट की डेप्थ है बीच वाले की। और यहां पर हम एक और नया क्रॉस सेक्शन जो कि हमारा मिड सेक्शन है वो डिसाइड कर रहे हैं। आप देखें यहां पर जो मैं हैच कर रहा हूं वो सेक्शन, और वो भी कैसा है, ट्रेपेजोइडल शेप का ही है, जो कि मैंने यहां पर अलग से आप समझ लें इस सेक्शन को उठाकर मैं यहां पर ले आया। तो यहां पर हमने डेप्थ क्या डिसाइड करी, डीएम। अब डीएम तो डेप्थ हो गई, अब इस क्रॉस सेक्शन क्वांटिटी कैसे निकालना चाहते हैं, क्वांटिटी या वॉल्यूम की अगर इस मेथड से बात करें, क्वांटिटी या वॉल्यूम की अगर हम बात करें इस मेथड में, तो आप कैसे निकालेंगे इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं इस तरह से लिख रहा हूं क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। तो देखें क्रॉस सेक्शन एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी हमारा क्रॉस सेक्शन कहता है ट्रेपेजोइडल शेप का है, तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम यहाँ इस तरीके से अगर हम इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लें, तो आप देखें इतना जो एरिया है वो तुम्हारा रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया, ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया ले लें, और प्लस हम क्या कर दें नंबर वन ट्रायंगल और नंबर टू ट्रायंगल के एरिया को जोड़कर अगर हम सम कर देंगे तो टोटल हमारा इस ट्रेपेजोइडल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो हमने वही किया, यहां पर हम कह देते हैं रेक्टेंगुलर एरिया, यानी जो क्रॉस सेक्शन हमारा कैसा है रेक्टेंगुलर एरिया, प्लस हम क्या कर देंगे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर, टू ट्रायंगल
अब इसको हम जोड़कर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई एल कर देंगे। हम क्रॉस सेक्शन एरिया को ये तो लिख सकते हैं कि हमारा जो एक रेक्टेंगुलर एरिया है प्लस हमारा ये ट्रायंगल पोर्शन, ये ट्रायंगुलर पोर्शन, दो ट्रायंगुलर पोर्शन हो गए, इनके एरिया को हम किस तरह से निकालें और हम जोड़ दें तो ये टोटल ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का हमारा एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ इंटू डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा बी इंटू डी एम, क्योंकि डेप्थ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितनी है डी एम, जो कि हमने कैसे निकाली है, इन दोनों सेक्शन के एवरेज लेकर हमने निकाली है। अब देखें BDM प्लस एरिया ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। अब 1/2 बेस, यहां पर हमें बेस देखना होगा और इनटू ट्रायंगल की हाइट पर विचार करेंगे और साथ के साथ इनटू मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना होगा क्योंकि दो ट्रायंगल हैं। अब आगे देखें, यहां पर आ गया BDM प्लस, अब इस 2 से तो 2 कैंसिल हो ही सकता है, तो अब सिर्फ क्या रह गया, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट रह गई और मल्टीप्लाई बाई एल कर देंगे। अब ट्रायंगल का हमारे पास सिर्फ एक ही वर्क रह गया कि हम क्या करें, किसी भी तरीके से ट्रायंगल का बेस निकाल लें। तो बेस निकालने के लिए क्या करना होगा, देखें हम ये भी जानते हैं कि जो अर्थवर्क कर रहे हैं वो हमारा सॉइल से हो रहा है और सॉइल में हमारी क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ की कमी होती है। उस शेयर स्ट्रेंथ की कमी को देखते हुए सॉइल हमारी कैसे रहना चाहती है, एंगल ऑफ रिपोज में, यानी विश्राम कोण में रहना चाहती है। तो उस सॉइल में हमारे जो एंगल ऑफ रिपोज है उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना हो, मतलब मिट्टी को हम कभी भी वर्टिकल कंडीशन नहीं रख सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता इस रोड में कभी भी कि रोड में इस तरीके से कर दूं, रोड ऐसा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसकी शेयर स्ट्रेंथ की कमी की वजह से ये मिट्टी ढहकर भी अपने एंगल ऑफ रिपोज में आएगी। तो हम क्या करते हैं उसकी वजह से रोड में साइड में हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं ताकि सॉइल हमारी उसी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में एक लॉन्ग लाइफ तक रह सके। तो अब देखें यहां पर स्लोप हमने दिया है S रेशियो 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर ये है हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल। इस बात का ही मतलब समझें कि एक मीटर वर्टिकल पर आप क्या करेंगे, S मीटर आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे। तो ये जो हमारा स्लोप है वो क्या है, S रेशियो 1 है। यानी कि आप समझें, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 2:1 दे दूं एक बार के लिए एग्जांपल के तौर पे हम समझें, तो इसके बाद का मतलब ये हो गया कि एक मीटर वर्टिकल अगर रोड की हाइट है तो उसे 2 मीटर हॉरिजॉन्टल तक चलेंगे। यानी कि आपका कुछ इस तरीके से ही बात बनेगी, 1 मीटर पर 2 मीटर हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया जो स्लोप हमारा यहां से बनेगा, ये स्लोप हमारा हो जाएगा 2:1। इसी तरीके से आप इसको ऐसे कर दें कि अगर 2 मीटर कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं हमने 2 मीटर कर दिया, 1 मीटर और जोड़ दिया तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। यानी हम ये कह रहे हैं कि जितना भी हमारी डेप्थ है उस डेप्थ में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई एस, एस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपकी डी एम गहराई है तो उस केस में अगर डी एम गहराई है तो ये कितना हो जाएगा, हमारा एस डी एम बन जाएगा। यानी हमने स्लोप में इसका बेस निकालने के लिए क्या किया, इसके रेशियो के अकॉर्डिंग हमने इसका बेस डिसाइड कर लिया। तो अब ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, आपकी बेस निकल के आ गया, बेस आ गया एस डी एम और मल्टीप्लाई बाई हाइट आपकी कितनी है डी एम, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें फाइनल जो फार्मूला हमारा निकल के आया, क्वांटिटी बाई मिड सेक्शन से निकल के हमारी आएगी, अगर अर्थवर्क कैलकुलेशन कर रहे हैं मिड सेक्शन से, तो वो निकल के आएगा बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया किसका, मिड सेक्शन मेथड से मिट्टी अर्थवर्क कैलकुलेशन का। अब बात करते हैं मीन सेक्शनल एरिया मेथड, नाम से ही पता चल रहा है मीन सेक्शनल एरिया। अब हमें क्या करना है, इनके क्रॉस सेक्शन नंबर 1 एंड क्रॉस सेक्शन नंबर 2 का एरिया निकालना है सबसे पहले। तो एरिया 1 कैसे निकालेंगे, एरिया 1 का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एट 1 नंबर जो हमारा सेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। तो देखें जरा, बिल्कुल इसी तर्ज पर हम चलेंगे कि इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे। देखें मीन सेक्शन एरिया को एक आपको शॉर्ट टर्म में डिवाइड करता हूं कि क्वांटिटी बराबर इसमें हो जाएगा एरिया मीन इनटू लेंथ। यहां पर क्या था, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम डेप्थ का मीन ले रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, हम एरिया का मीन ले रहे हैं। इसमें दो सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2 पर डेप्थ का मीन लिया था, जबकि इस मेथड में क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 पर जो हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया है उस एरिया का मीन लेकर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्क तो वही करना है, बस थोड़ी सी टर्म चेंज हो रहे हैं, बस केवल उसमें डेप्थ का मेन रोल था, इसमें एरिया का मेन रोल है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया डेप्थ का मीन कैसे निकाला था, D1 + D2/2। तो एरिया मीन कैसे निकालेंगे, एरिया 1 + एरिया 2/2 और मल्टीप्लाई बाई एल।
ये अगर हम कर दें, अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक सोचने वाली बात यही रहेगी कि एरिया वन कैसे निकाला जाए। जैसे एरिया इसका निकाला था बिल्कुल सेम वे में इसका भी हम निकाल सकते हैं। तो अब इसका एरिया अगर डेप्थ डीएम थी तो इसका एरिया क्या था, बीडीएम। क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर हम बात करें इतनी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सिर्फ इतना ही है, लेंथ का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्वांटिटी मिली है। तो इस एरिया की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा यहां पर हमारा बी, बट डीएम की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि गहराई यहां पर कितनी है डी वन है, इसी तरह इसकी गहराई कितनी है डी टू है। तो ये हम लिख सकते हैं बी डी वन प्लस एस डी वन का स्क्वायर, एरिया वन आ गया। इसी तरह से एरिया टू कैसे निकालेंगे, बी डी टू, क्योंकि एरिया टू सेक्शन नंबर टू पर हमारी लेंथ कितनी है डी, डेप्थ कितनी है डी टू, तो बी डी टू का स्क्वायर, सॉरी एस डी टू, बी डी टू प्लस एस डी टू का स्क्वायर। तो एरिया वन आ गया, एरिया टू आ गया, क्वांटिटी निकालनी है उस फार्मूले में लगा देंगे, तो क्वांटिटी यहां से हमारी ओवरऑल क्या बनेगी, फाइनल क्वांटिटी हो जाएगी बी डी वन प्लस एस डी वन का स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया एरिया वन प्लस एरिया टू बी डी टू प्लस एस डी टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया एरिया मीन, और एरिया मीन में क्या करना है हमें, लेंथ का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फार्मूला बन गया हमारा क्वांटिटी निकालने का मीन सेक्शनल एरिया मेथड से। डिफरेंस समझने की ज़रूरत है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर हम डेप्थ का मीन ले रहे हैं तो मिड सेक्शन मेथड, अगर एरिया का मीन ले रहे हैं तो मीन सेक्शनल एरिया मेथड। सिंपल है निकालने का तरीका। अगर मैं इसको ही बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन करूं, नंबर वन सेक्शन ले लूं, यहां पर आप सिर्फ क्या कर दें डीएम की जगह डी वन पुट कर दें बस, तो हमारा सेक्शन नंबर वन का एरिया निकल के आ जाएगा सेम वे में। अब बात करते हैं इसके तीसरे मेथड की। देखें तीसरा मेथड हमारा प्रिज्मॉइडल मेथड, जिसे हम एक्यूरेट मेथड भी कहते हैं। तो तीसरा मेथड हमारा है यहां पर प्रिज्मॉइडल मेथड से हम अर्थवर्क कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। प्रिज्मॉइडल मेथड से, प्रिज्मॉइडल मेथड का हमारा एक फार्मूला आपको याद रखना है। उस फार्मूले में क्वांटिटी बराबर हमारी क्या आ जाएगी, एल अपॉन सिक्स ब्रैकेट में ए वन प्लस ए टू प्लस 4am। यहाँ पर समझने के लिए है कुछ, देखें क्या यहाँ पर a1 क्या है, सेक्शन नंबर 1 का एरिया जो कि कहाँ से निकाला हमने, ये वाला, तो वो हो जाएगा हमारा bd1 प्लस sd1 का स्क्वायर। दूसरी बात एरिया 2 क्या है यहाँ पर, bd2 प्लस sd2 का स्क्वायर। और एरिया एम क्या है, तो अब आप सोचने में गलती यहीं पर कर सकते हैं, एरिया एम आप यही सोचेंगे कि यही वाला एरिया एम है जो कि गलत है, वहां पर क्या है एरिया ऑफ मिड सेक्शन, यानी ये वाला एरिया यहां पर लगाना है। तो इस फार्मूले में सिर्फ मैंने इसीलिए लिख के दिखाया ताकि आप यहां पर गलती ना करें। फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके का है कि यहां पर जो ए एम का मतलब है वो क्या है, मैं ए एम डैश कर देता हूं ताकि ये अलग लगे, तो यहां से ए एम डैश मैंने कर दिया, वो कितना है हमारा बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अब देखें हर बार बार समझना जरूरी नहीं है कि ये कैसे आएगा एरिया, बिल्कुल इसी तरीके से, बस आप एक मैंने यहाँ पर डिराइव करके दिखा दिया, बाकी सेम वे में इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। और ये तो हमारा जब ए वन भी पता है, ए टू भी पता है और ए एम भी पता है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। बात सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट, देखें इन तीनों मेथड में रिलेशन क्या है। सबसे मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें, तो जब कैलकुलेशन करेंगे आप कोई क्वेश्चन करके देखेंगे तो वहाँ पर देखें मिनिमम वैल्यू हमारी इस मेथड से आती है, सबसे कम वैल्यू मिड सेक्शन मेथड से आती है। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इससे आती है, और इस मेथड से वैल्यू जो आती है हमारी इन दोनों के बीच में, यानी आप कह सकते हैं एवरेज एक वैल्यू हमें देखने को मिलती है जो सबसे सटीक मानी जाती है। तो इसमें और एक रिलेशन हम कैसे बात कर सकते हैं कि मिड सेक्शन, देखो पॉइंट नंबर वन बोर्ड पर अब हमारी जगह नहीं बची तो यहां से देख लेते हैं, तीन पॉइंट यहां पर और देखें। सबसे पहला मेथड मिड सेक्शन, दूसरा मेथड मीन सेक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आप समझ जाएंगे मीन सेक्शनल एरिया मेथड है, ये प्रिज्मॉइडल, इनमें एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है देखें, अगर आप मिड सेक्शन और प्रिज्मॉइडल मेथड का आंसर जब आएगा, सपोज कीजिए इसका जो भी एक आंसर आपका कैलकुलेशन कर रहे हैं कोई एक वैल्यू निकल के आएगी न्यूमेरिकल में, और जो प्रिज्मॉइडल से निकल के आएगी उनको आप डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा हाफ परसेंट होगा। हाफ परसेंट का मतलब ही समझाता हूँ क्या है, दूसरा मीन सेक्शन एरिया से जो मेथड निकाल जो वैल्यू निकालेंगे और जो प्रिज्मॉइडल से निकल के आएगी वैल्यू, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो 1% होगा। इसका मतलब ये है कि
अगर इन दोनों में डिफरेंस सपोज करो 12 आया तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 24 होगा। तो इसको बोला हूं मैं हाफ परसेंट, यानी कि उसका 50% होगा। आप इसको 50% या 100% भी कह सकते हैं, हाफ परसेंट या 1% भी कह सकते हैं। ओवरऑल जितनी वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस में आएगी उसका दोगुना अंतर आएगा इन दोनों में। ये रिलेशन है, ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, आपको उसको याद भी रखना है। और ये हमारे सारे फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूले डायरेक्टली पूछते हैं जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं उनमें ज्यादातर फार्मूले देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में कि इसके पिचिंग एरिया की। पिचिंग एरिया क्या होता है? देखें, कभी कभार जब सड़कों को बनाते हैं तो मृदा के अपरदन को यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साइड में हम स्टोन पिचिंग कर देते हैं या ग्रास पिचिंग कर देते हैं, घास लगा देते हैं, पत्थर कर देते हैं। बहुत सारे फ्लाईओवर देखे होंगे आपने, फ्लाईओवर जो हमारे अर्थवर्क के साइड में स्लोप दे रखे हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर घास उगा देते हैं इस सरफेस पर। तो इसे कहते हैं पिचिंग एरिया। अब पिचिंग एरिया कैसे निकाला जाए, तो पिचिंग एरिया को निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जितने भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अभी अब इसको समझ लेते हैं पिचिंग एरिया को। हम यहाँ पर देखें, पिचिंग एरिया अगर हम बात करें कैसे निकालेंगे, तो पिचिंग एरिया हमारा है क्या, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये एरिया हमें चाहिए, ये इंटू ये वाली हमारी लेंथ हो जाएगी। अब ये सेक्शन नंबर 1 मान लें, ये सेक्शन नंबर 2 मान लें, इन दोनों को मैंने इतनी लेंथ ले लेते हैं जितनी इनकी है। तो ये पिचिंग एरिया निकालना है जहाँ हमें क्या करनी है, घास वगैरह या स्टोन वगैरह हमें लगाने हैं। तो बस देखें, ये कितना था, ये था हमारा जो भी डेप्थ थी हमारी, यहाँ पर डी एम डेप्थ मान लेते हैं इस सेक्शन की, इस सेक्शन के आधार पर निकाल लेते हैं पिचिंग एरिया। ये देखें डी एम डेप्थ है, तो डी एम अगर ये डेप्थ थी तो ये कितना था हमारा, एस डी एम था और ये हमारा डी एम था। हमने क्या किया, इस सेक्शन को देख रहे हैं, इस वाले सेक्शन को, इतने सेक्शन को हम देख रहे हैं। तो इसमें डी एम डेप्थ या डी एम ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया लंब या आधार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो परपेंडिकुलर बेस के आधार पर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर डी एम स्क्वायर। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि पिचिंग एरिया इज इक्वल टू विड्थ इंटू लेंथ, विड्थ इंटू लेंथ। तो विड्थ इंटू लेंथ अगर आप निकालना चाहते हैं तो विड्थ कैसे निकालेंगे, विड्थ ये वाली, लेंथ तो हमें पता है पहले से, तो पहले तो आसान भाषा में एल लिख लो यहाँ पर। बात सिर्फ आपको सोचना है डी विड्थ के बारे में। ये कैसे निकालेंगे, अंडर रूट डी एम का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एम स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एम बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर रह जाएगा और मल्टीप्लाई बाई एल आप कर देंगे। तो ये निकल के आ गया हमारा पिचिंग एरिया एट वन साइड। ये वन साइड का एरिया है, वन साइड क्यों, एक तरफ। अब रोड जब बनाते हैं तो दो तरफ होती है ना, इसमें एक इधर भी है एक इधर भी है। तो टोटल एरिया अगर आपको बात करवाता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने बात की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आपका लाइक कमेंट्स ही हमारी एनर्जी है, आगे काम करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।